तो फाइनली आजाद खान ने हर्ष बेनीवाल को वेरी एंग्री रिप्लाई किया है और क्या एड्रेस यादव के ऊपर चीटिंग एलिगेशन लग रहे हैं ईसीएल क्रिकेट मैच को लेकर और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट है यूट्यूब कम्युनिटी को लेकर, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। बाकी दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, कर दो यार, दूसरे के भी नहीं लगेगा। बाकी दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे हर्ष बेनीवाल और आजाद खान से रिलेटेड। तो हर्ष बेनीवाल का आजाद खान के ऊपर फाइनली पैरोडी वीडियो अपलोड हो चुका है जिस पर काफी गंदा रोस्ट किया आजाद खान को, और हर्ष बेनीवाल जो है आजाद खान को छोटे छोटे बातों पर काफी गंदा रोस्ट कर दिया। तो सबसे पहले आप उनका क्लिप देख लीजिए। बेटा क्या हुआ भाई, तेरे कितनी बार बोला टाइम पे लगाया करना साउंड इफेक्ट, काय को करता ऐसा? सॉरी भाई, एक बार फिर से करते हैं। शेर खुद चल के आ गया है। तो आइए मिलवाते हैं आपको नाजायज खान से। ओची लोग नाजायज खान, ओची यू मीन ओजी लोग हा? नहीं रे, ओची लोग। देख अपन कुछ भी काम करते हैं ना तो लोग बोलते हैं ये क्या नीच हरकत है, ये क्या ओछी हरकत है, इसीलिए अपन लोग ओछी लोग है बाबा। ओछी ओछी लोग नाजायज खान से ओछी बोलते बेटा ओछे। शहर में किसे पूछ लिया अपने बारे में, सब जानते मेरे को, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत करते हैं अपनी। कूड़ा काय को फेंकी रे, यहाँ क्या कूड़ा दान डाल रखा हमने? कूड़ादान नहीं है तो ये क्या खड़ा है? ए ए ए शानी बुढ़िया, ये भाई आपने। तो उसके बाद आजाद खान उस वीडियो को देखते हैं और काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं हर्ष बेनीवाल के ऊपर। तो उन्होंने अपने इंस्टा पर कुछ स्टोरीज को अपलोड किया, तो सबसे पहले मैं उनका क्लिप दिखा देता हूँ। अरे हर्ष बेनीवाल यार, तेरी बहन वो मिलिंद गाबा की बीवी मेरे साथ ओयो में पकड़ी गई, तो तू ये सब कर रहा है बेटा? वो तो बोली बोले जीजा जी का छोटा सा है तो मुझे पठान का चाहिए, फिर तेरा बाप भी आया तो मैं तेरे बाप की भी, तेरा बाप तेरी मम्मी को भी लेके आया कि इनकी भी लो, और बाद में मेरे बेटे हर्ष बेनीवाल की। ठीक है बेटा, तेरी बहन को कुछ करना नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ, तेरा जीजा जी छोटा सा लेके चल रहा है। हाँ बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों क्या लगता है ये कंट्रोवर्सी बड़ी होने वाली है कि नहीं, आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से दे देना। बाकी दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरह। तो दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है ठगे से रिलेटेड। तो ठगे से रिएक्ट करते अपने अपना थर्ड मैच हारने के बाद और साथ में फुकरा इंसान के बारे में भी रिएक्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देखे ही होंगे कि अभी तक अभिषेक जो है मीडिया के सामने अपना इंटरव्यू देने के लिए नहीं आ रहे हैं। जैसे आप सब लोगों को तो पता होगा सभी के कैप्टन जो हारने या मैच जीतने के बाद जो है इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, लेकिन अभी तक जो है अभिषेक नहीं आए हैं। तो इसी से रिलेटेड जो है इंटरव्यूअर जो है ठगेश से पूछते हैं कि अभी तक अभिषेक जो है मीडिया के सामने नहीं आए हैं करके। तो इसी चीज पर ठगेश क्या रिप्लाई करते हैं आप लोग खुद ही देखिए। हमारे तो हो सकता है मीडिया को। अच्छा अभिषेक मीडिया के सामने आए, वो तो पता नहीं आ रहे हैं तो आज के हारने को लेकर आप इसे जो है कि आप कह रहे हो। देखो अगेन बोलिंग ही ज्यादा वीक हो गई थी, अगर हम देखें सेकंड इनिंग्स में भी कुछ प्रेशर में खेले बैट्समैन, लेकिन स्टिल 185 बन गए थे डिसेंट, बट बोलिंग में बहुत कंसीड किए, 6 छक्के खाना आम बात नहीं है, एंड उसके बाद भी नॉर्मली बहुत बहुत रन पड़े बॉलर्स को, तो आई थिंक बाकी दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपडेट तरफ। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है एलविस यादव से रिलेटेड। तो दोस्तों क्या एलविस यादव के ऊपर चीटिंग एलिगेशन लग रहा है? तो दोस्तों कि उन्होंने एम्पायर को सेट करके रखा है जिसके कारण वो लगातार 3 मैच जीत गए हैं करके। तो इसी चीज से रिलेटेड जो है एलविस यादव क्या बोलते हैं आप लोग खुद ही देखिए। अभी कुछ लोग ऐसे स्टेडियम में बोल रहे थे एम्पायर सेट कर रखा होता तो मुझे आउट क्यों देता हो? ये बताओ ना, मुझे ही आउट दे दिया ना उसने, तो ऐसे नहीं होता भाई। बाकी दोस्तों आज का ये छोटा सा अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से कर देना। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखना।